सीधी लोकसभा निर्वाचन के लिए सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान कराया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से आरंभ हुआ था, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सीधी लोकसभा सीट के लिए 817 मतदान केंद्रों में 7,13,309 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 3,70,422 पुरुष तथा 3,42,860 महिला मतदाताओं को मतदान का अवसर मिलेगा, जबकि थर्ड जेंडर के 7 मतदाता भी वोट करेंगे। सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि दिव्यांगों, बुजुर्गों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं सीधी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय 84 वर्ष उम्र के प्रत्याशी भगवान प्रसाद तिवारी ने मतदान किया व उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान मैंने अभी मतदान किया है। मैंने जिस दिन से नगर निगम आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है, उस दिन से मेरी सभी नगरवासियों से अपील रही है कि सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना पूरा योगदान दें और 100% मतदाता यहां मतदान करें। हमने लोकसभा निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यहां हमने आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किए हैं और इस आदर्श मतदान केंद्र में विशेष सुविधाओं के साथ में हम मतदाताओं का तिलक लगा करके उस वर्षा के साथ हम स्वागत करते हैं। और सभी नागरिकों से हमारी अपील है कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में एक आहुति अपनी भी दें। ये सब भगवान की प्रेरणा है और पब्लिक की है, जो कि हम लड़ रहे हैं, इनके समस्या के लिए जूझ रहे हैं। इनका जो अधिकार नहीं मिल रहा है, ये राखन पानी खाना पड़ रहा है, इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए हम इनके मुद्दे पर लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते हैं, बहुत दिन तक लड़े। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।